हे गाइस व्हाट्सअप, आई वेलकम यू ऑल टू द एमके क्लासेस। आज से हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे, जो आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसको हम एमसीक्यूज़ के थ्रू मतलब डिस्कस करेंगे, मतलब थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे हम, एमसीक्यूज़ के थ्रू इसको मतलब डिस्कस करेंगे। तो हमारा वो जो फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया है वो भी मतलब जल्दी ख़त्म होने वाला है, और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो पैरेलली हम दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट मीन, ट्रांसपोर्ट के मीन्स कितने किस्म के होते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट का एक मीन होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एक एयर ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब हम लैंड से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एयर से भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इनलैंड जो कंट्री के अंदर होती है, सीवेज एंड ओशन रूट जो इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज़ के लिए, मतलब नेशन से बाहर हम करें। एयर ट्रांसपोर्ट भी नेशनल और इंटरनेशनल होता है। ठीक है, सो दिस इज़ दी मतलब हायरार्की ऑफ दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने किस्म के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ डैश डैश लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कि मतलब इंडिया की क्या रैंक है, मतलब रोड नेटवर्क के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक है। तो इंडिया की रैंक है सेकंड, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, इंडिया में जो रोड हैं 85% ऑफ पैसेंजर्स को कैरी करती है और 70% फ्रेट को कैरी करती हैं हर साल। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज जो है इंडिया की जो नेशनल हाईवेज है उनकी टोटल लेंथ है 142,126 किलोमीटर। ये अप्रैल 2019 का ये अप्रैल 2019 के फिगर्स हैं। और ये 40% ट्रैफिक, मतलब जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये 40% ट्रैफिक को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। अच्छा, हु बिल्ट शाही रोड, बताओ जी, रॉयल रोड या शाही रोड किसने बिल्ड की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्शन है हुमायूं ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने या अकबर ने। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने मतलब शाही रोड को बिल्ट किया था, बनाया था। और लेटर ब्रिटिशर्स ने इस रोड को क्या नाम दिया था, जीटी रोड नाम दिया था। ब्रिटिशर्स ने इस रोड का नाम क्या रखा, जीटी रोड नाम रखा। ये जब मतलब अनडिवाइडेड इंडिया था, मतलब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ये कोलकाता को पेशावर के साथ क्या करता था, कनेक्ट करता था। प्रेजेंटली अब जबकि इंडिया की डिवीज़न हो चुकी है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हो चुकी है, तो अब ये अमृतसर से कोलकाता तक एक्सटेंड होता है। ये दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, एक है NH1 जो दिल्ली से अमृतसर तक है, और NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि NH1 जो है ये दिल्ली से अमृतसर तक है, और NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस पर्पज़ एंड कंस्ट्रक्शन पर्पज़ रोड्स आर डिवाइडेड इनटू। ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं ऐसे ही मतलब स्लाइड दी हुई है कि देखिए, रोड्स को मेंटेन करने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट करने के पर्पज़ से रोड्स को हमने बहुत सारी सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो वो कौन कौन सी सब डिविजन्स हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है, स्टेट हाईवेज ये भी स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, रूरल रोड्स आती हैं, और अदर रोड्स, इसमें बॉर्डर रोड्स वगैरह और इंटरनेशनल रोड्स आ जाती हैं। ठीक है, तो दीज ये मतलब क्या है, मेंटेनेंस पर्पज़ और कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के हिसाब से हमने रोड्स को इन सब डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20-ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, बताओ जी 20-ईयर प्लान कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 20-ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1961 में, और 20-ईयर प्लान जो है ये मतलब रोड्स की कंडीशन को, इंडिया में रोड्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये 20-ईयर प्लान अप्रूव किया गया था। और कब मतलब इंट्रोड्यूस किया था, ये 1961 में इंट्रोड्यूस किया था। इंपॉर्टेंट है, दी एपेक्स बॉडी टू इम्प्रूव द नेशनल हाईवेज इन इंडिया, मतलब उस बॉडी का नाम बताओ जो इंडिया में नेशनल हाईवेज को मेंटेन करती है। ठीक है, नेशनल हाईवेज को इम्प्रूव करती है, तो उसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिंपली NHAI कहते हैं। आपसे ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NHAI, इट्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 1988 में बनी थी, ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1988 में फॉर्म हुई थी, और ये ऑपरेशनलाइज, मतलब इसने काम कब से करना स्टार्ट किया था, 1995 में, ये याद रखना, 1988 में बनी थी और 1995 में इसने काम करना स्टार्ट किया था। ये मोर्थ के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर आती है। तो ये क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, मेंटेन करती है नेशनल हाईवेज़ को, नेशनल हाईवेज़ को मेंटेन, डेवलप वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
अच्छा, नेशनल हाईवे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनमें से किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो देखिए, नेशनल हाईवे जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये नेशनल हाईवेज ये क्या करती हैं, ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं। मतलब स्टेट, एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ ये जोड़ती हैं इंटर स्टेट। टोटल लेंथ इंडिया में क्या है नेशनल हाईवेज की, 142,126 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ये जो इंडिया में टोटल रोड्स हैं उसका सिर्फ 2% है नेशनल हाईवेज, उन टोटल रोड्स का क्या है, सिर्फ 2% है, लेकिन 40% ट्रैफिक ये कैरी करती हैं। 2% है लेकिन सिर्फ 2% है टोटल रोड्स का, ठीक है, लेकिन 40% ट्रैफिक ये कैरी करती है। अच्छा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया कौन सी है? इंडिया में कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है? NH-44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया एंड NH-47 इज़ द शॉर्टेस्ट। ठीक है, देखिए NH-44 जो है इसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो है NH-47A, इसको NH-1966B भी कहते हैं, इसकी टोटल लेंथ है 6 किलोमीटर, ये कुंदनूर से विलिंगटन टाउन तक है केरला, कोचीन केरला में। ठीक है, तो ये याद रखना कि NH-47A शॉर्टेस्ट और NH-44 लॉन्गेस्ट। ठीक है, विच कनेक्ट दिल्ली टू कोलकाता विया वाराणसी, इनमें से कौन सी ऐसी नेशनल हाईवे है जो दिल्ली को कोलकाता के साथ कनेक्ट करती है? मैंने कहा था आपको कि GT रोड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ना, ये यहाँ पर दिल्ली है, एक अमृतसर से दिल्ली है NH-1 और दिल्ली से कोलकाता है NH-2, दिल्ली से कोलकाता है NH-2, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, NH-2। NH-2 जो है दिल्ली को कोलकाता के साथ कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे 2 ये 6 स्टेट से गुजरती है, दिल्ली, हरियाणा, UP, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये ग्रैंड ट्रंक रोड का एक पार्ट है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था ना, एक अमृतसर से दिल्ली तक NH-1 और एक दिल्ली से कोलकाता तक NH-2। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, NH-6 पासेस थ्रू। NH-6 जो है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से पास होती है, ये गुजरात महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल स्टेट में भी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाय, देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो था, जो नेशनल हाईवेज को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, ये किसने इनिशिएट किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। अच्छा, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो था ये अटल बिहारी वाजपेयी जो उस टाइम PM थे उन्होंने स्टार्ट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 4 जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनको, 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट किया जाए। ठीक है, 4 ये इंडस्ट्रियल रीजन्स भी हैं और आज ये मेट्रो सिटीज़ भी हैं। कौन कौन सी? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, मतलब इन 4 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इनको ये कनेक्ट करता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाती है, इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ये 4 मेट्रो सिटीज़ को डेवलप करने के लिए बनाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको इनिशिएट किया था। इम्पॉर्टेंट, नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट लेह टू कश्मीर वैली थ्रू -pass। नेशनल हाईवे 1D जो है ये क्या करती है, कश्मीर वैली को लद्दाख या लेह लद्दाख के साथ कनेक्ट करती है। कौन से पास के थ्रू? जोजिला पास के थ्रू। वहाँ पर कौन सा पास है? जोजिला पास के थ्रू जो है NH-1D जो है कश्मीर वैली को किसके साथ, लेह के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज़, मतलब काराकोरम हाईवे जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है? देखिए काराकोरम जो हाईवे है ये चाइना एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। काराकोरम हाईवे जो चाइना पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, ये काराकोरम माउंटेन रेंज से पास होती है। यहाँ पर एक पास है जिसको हम खुंजरा पास कहते हैं, ये 4693 मीटर इसकी एलिवेशन है। ठीक है, ये सबसे मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ये बड़ी डरावनी रोड है, मतलब यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से बड़ी डरावनी रोड है। यहाँ पर बहुत मतलब रग टोपोग्राफी जिसकी वजह से एक स्कैरियस्ट रोड है। ठीक है, द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट दिल्ली टू, नेशनल हाईवे दिल्ली को किसके साथ कनेक्ट करती है? तो अमृतसर के साथ कनेक्ट करती है और ये भी GT रोड का एक पार्ट है। ठीक है, हु इज़ द करंट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज का रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन है अनिता परवीन। ठीक है, ये भी याद रखना। देखिए मैंने जितने भी अभी तक ये क्वेश्चंस आपको बताए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने रेंडमली उठाए हैं, आप इनको एक सीक्वेंस में मतलब आप नोट्स भी बना सकते हो या इनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है, सो आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।